नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेरा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अरसदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर
क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातेराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गुरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक
संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा,
श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर वन टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करकर उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातीराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेगिन संस्था बाल चंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो।
और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अरसदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेरा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अरसदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त
सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर
दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येलुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है। अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो तातेराम चैप्टर वन टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अरसदा ने दिया है। छायांकन और संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता और उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम
इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करकर उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग में लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो।
तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेगिन संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग में लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेरा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अरसदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातेराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गुरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेगिन
संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा,
श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर वन टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोरी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातीराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो।
और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेरा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है
तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अरसदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त
सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातेराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर
दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर वन टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन और संपादन श्री गोरी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम
इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता और उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो।
तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेराम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुदुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अरसदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता है, उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बाल चंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता है, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग में लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेरा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम, प्रियंका शर्मा और अविनाश ये यलुधुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गुड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बाल चंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, अलेगिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलेक्लिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तातेरा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई हॉरर मूवी तातीराम। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुथियाला मेहर दीपक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 1 घंटा 39 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका शर्मा, श्रीकांत, अविनाश, श्रीनिवास मूर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की कहानी की, तातेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिव काशी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो मुथियाला मेहर दीपक द्वारा निर्देशित है और सिनेमा बंदी बैनर के तहत द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीकांत गौरम
प्रियंका शर्मा और अविनाश येल्लुर मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत अजय अर्षदा ने दिया है। छायांकन संपादन श्री गोड़ी वामसी श्रीनिवास ने किया है। बालचंद्र एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति है, लेकिन से शादी करता उसे खुश मिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, जिनको अलैंगिक संस्था बालचंद्र पर नियंत्रित कर लेती है, जिससे वह उससे विश्वास खोना पड़ता, भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह अनूठी डरावनी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग केरल और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। बाद में फिल्म का ट्रेलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और दुनिया भर में सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।